शिक्षक धर्मेश जानी की अंग्रेजी ग्रामर से जुड़ी पुस्तक लर्न ग्रामर इंग्लिश विद मैजिक ट्रिक्स का गुरुवार को विमोचन किया गया। माँ भारती महाविद्यालय कुशलगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंभूलाल नायक, अध्यक्ष करणी सिंह राठौर, माँ भारती महाविद्यालय के निर्देशक, विशिष्ट अतिथि भीमजी सुरावत, प्राचार्य राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ हसमुख लाल सेठ एजुकेशन, प्रशांत नाहटा महावीर पब्लिक स्कूल के निर्देशक हरीश चंद जानी, सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर निधि जैन, प्रतिध्वनि संस्थान आदि ने संबोधित एवं विमोचन किया। पुस्तक के लेखक धर्मेश जानी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि पुस्तक लर्न ग्रामर इंग्लिश विद मैजिक ट्रिक्स में अंग्रेजी ग्रामर को सरलता और रोचकता के साथ प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक प्राइमरी कक्षा के छात्रों से लेकर दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए भी है। अंग्रेजी ग्रामर की चुनौतियों और कठिनाइयों को समझने में कारगर सिद्ध होगी। पुस्तक में कई स्थानों पर चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी ग्रामर की जटिलता को आसान भाषा और वाक्यों में समझाया गया है। उन्हें उम्मीद है कि अंग्रेजी भाषा में रुचि रखने वाले और इसे सीखने वाले छात्रों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। इससे पहले विमोचन कार्यक्रम में सीए प्रतीक जैन, महेश जोशी, रमेश जी यादव, जीनियस पब्लिक स्कूल हसमुख लाल जोशी, सम्राट झाला आइडियल पब्लिक स्कूल, राष्ट्रीय शिक्षक संघ से दिगपाल सिंह राठौर, अंसार अहमद पठान, विनोद सोनी, प्रदीप महोदिया, अभय पंचोली, सीमा जानी, समीक्षा जैन, प्राची आचार्य, नीलेश जैन, मनोहर कावड़िया, खुशबू जानी पत्रकार, अरुण जोशी आदि मौजूद रहे। मैजिक ट्रिक्स इसको इसलिए दिया है क्योंकि इसको इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर जो बुक्स हैं वो ब्रिटिश पब्लिशर्स की है या इंग्लिश पब्लिशर्स की है, तो उन लोगों ने इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज में उसको लिखा है कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो बेसिक सीख रहे हैं, जो जो एलिमेंट्री लेवल पे है, उनको उसमें काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस परेशानी को समझते हुए जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था, इसको एक नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे कि बड़े आसानी से बिना किसी के मार्गदर्शन से इसको आसानी से समझा जा सकता है, और समझा जाने के साथ इससे अंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सकती है। जैसे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, और समझने के बाद जो है इसको डे टू डे लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो।